भगवान महावीर के 2621वें जन्मदिवस को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, जैन धर्मावलंबियों ने पूरी निष्ठा से की पूजा अर्चना। भगवान महावीर के 2621वें जन्म महोत्सव को लेकर जैन धर्मावलंबियों के बीच उत्साह का माहौल देखा गया। पागलपुर मारवाड़ी टोला स्थित जैन मंदिर से भगवान महावीर के भक्तों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के द्वारा कोतवाली चौक पर भगवान महावीर की आरती की जाने के बाद 108 रजत कलशों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के दौरान महिलाएं भजन गीतों पर झूमती दिखाई दी। इस दौरान दिगंबर जैन समाज की बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रभात फेरी में शामिल हुए। पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर लोगों को बधाई देते हुए ईश्वर से भागलपुर सहित पूरे देश के लिए मंगल कामना की। पुरुष वर्ग से निवेदन है कि वो इधर उधर रोड के खड़े न होकर के दो दो की पंक्ति में चले। पूरे अनुशासन पतंग से पुरुषों से विशेष रूप से निवेदन है कि वो दो दो की के जन्मोत्सव के मौके पर दिगंबर जैन समाज के द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था और आज उस अवसर पर मैं भी सम्मिलित हुई। इसमें महिलाएं, युवक, समाज के बुजुर्ग अभिभावक जन और बच्चे भी शामिल थे। आज मैं अपनी ओर से सभी जैन समाज के सभी लोगों को और समस्त भागलपुर वासियों को भगवान महावीर के जन्मोत्सव की बहुत बधाई देती हूँ। पिछले दो वर्ष से कोरोना काल के कारण कोई भी आयोजन नहीं संभव हो पा रहा था, लेकिन कोरोना के घटते प्रभाव से अब समाज में हर प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। खुशी की बात है और ईश्वर करे कि सबों की खुशी यूं ही बरकरार रहे और लोग अपने सभी इस प्रकार के आयोजनों को धूमधाम से मनाएं। मेरी ओर से पुनः भगवान महावीर के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। टीएमबीयू में अंबेडकर विचार एवं समाज कल्याण विभाग ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई 131वीं जयंती समारोह। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग के द्वारा भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र कल्याण संकाय के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, रतन मंडल, निरंजन प्रसाद यादव, उपेंद्र शाह, गुरुदेव पोद्दार, अंबेडकर विचार विभाग के विभागाध्यक्ष विलक्षण रविदास ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सबों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष विलक्षण रविदास ने कहा, भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके नक्शे कदम पर चलें और उनका अनुसरण करें, साथ ही उनके जय भीम जय भारत स्लोगन पर भी प्रकाश डाला। साथ ही साथ देशवासियों को एकता व सौहार्द बनाकर रखने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में शोध छात्रा का पुस्तक विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार एवं समाज कल्याण विभाग के सभी छात्र छात्राएं व शिक्षक से ही शोध कार्य किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था और महिला पर उन्होंने किया है। वर्णाश्रम व्यवस्था का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसी पर उनकी पुस्तक है, उसका विमोचन होना है। जी, चोर चढ़ा आम लोगों के हत्थे, जमकर हुई धुलाई, राशन और नकद पैसे लेकर हुआ फरार। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के उल्टा पुल के बस डिपो के समीप एक चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि उक्त चोर ने घर से सूखा राशन, 20,000 का मोबाइल फोन और नकद 3,000 रुपए चोरी कर लिए, जिसके बाद उसे बस डीपी के पास पकड़कर लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर उक्त चोर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मेरा सूरज कुमार है, कालगांव से बिलोंग करते हैं। कहाँ रहते हैं? बड़े खंजरपुर में बर्मा लॉज में रहते हैं। आईटीआई कर रहे हैं, इंजीनियर। क्या क्या चोरी? 3,000 रुपए पैसा, 20,000 का फोन था 5G, और राशन था, एक झूला चावल था, उसमें आटा था, आलू था, प्याज भी था। अरे हम भैया, भागलपुर विधायक ने बाबा साहब अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर भागलपुर कांग्रेस कैंप कार्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अजीत शर्मा ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ देश को आजादी दिलाने का काम किया था।
वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मानते हैं। देश के लोगों को जाति समुदाय में बांटने वाली केंद्र सरकार को 2024 में जवाब जनता दे। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ भागलपुर द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई 131वीं जयंती समारोह। भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह में अंबेडकर भवन बरारी भागलपुर में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ भागलपुर के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि से उद्घाटनकर्ता वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम थे, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए। वहीं विशिष्ट अतिथि सुधीर कुमार, अरुण कुमार चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र किशोर, डॉक्टर विशाल शेखर, डॉक्टर शरीफुल हक और डॉक्टर उपेंद्र शाह कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रीना कुमारी व संघ के सचिव योगेश कुमार ने भी अपना संबोधन दिया। कोई कार्यक्रम में संघ की अध्यक्ष रीना कुमारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर समारोह पर एकता अखंडता को बरकरार रखने की बात कही, साथ ही जाति विशेष को बंद कर एकजुटता बनाए रखने पर बल दिया गया। बिहार में जदयू को विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की सभी सीटों पर मजबूत करने के उद्देश्य से युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बिहार में जदयू को विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की सभी सीट्स पर मजबूत करने के उद्देश्य से युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज युवा संवाद कार्यक्रम में शरीक होने भागलपुर पहुंचे। स्थानीय होटल में आयोजित युवा जदयू के सांगठनिक बैठक में भी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान जिले भर से आए जदयू कार्यकर्ताओं को दिव्यांशु भारद्वाज ने संगठन को मजबूत करने और जन जन तक पहुंचाए जाने को लेकर घुट्टी भी पिलाई। इस दौरान युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वे पूरे बिहार में युवा संवाद कार्यक्रम के तहत पार्टी को मजबूत करने, नई पीढ़ी के युवाओं को पार्टी से जोड़ने और युवा जदयू के द्वारा बनाए गए नए 12 प्रकोष्ठ का गठन करने के उद्देश्य से बिहार की यात्रा पर हैं। इस दौरान हुई पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं और पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे नेताओं से बात कर संगठन का विस्तार करेंगे। साथ ही युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज ने कहा कि बिहार में जिस तरह पिछले 17 वर्षों में नीतीश कुमार ने समाज और राज्य के विकास के लिए कार्य किए, उसको जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी भी युवा जदयू के कार्यकर्ताओं की है। इस दौरान रजनीकांत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवा जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। डेढ़ हाथ जमीन के लिए पड़ोसी ने मारी गोली, हुई मौके पर ही मौत। भागलपुर जिले में लगातार किसी न किसी बात को लेकर हो रही है हत्या। वहीं एक मामला भागलपुर जिले के नाथनगर थाना अंतर्गत रसीदपुर दियारा में डेढ़ हाथ जमीन के लिए दीपक मंडल उर्फ डूबा मंडल, अरुण मंडल, सोनी देवी और बनारसी देवी आदि ने मिलकर रात्रि 1:15 पर गोली मारकर बैजनाथ मंडल की हत्या कर दी। वहीं बैजनाथ मंडल की पत्नी ने नाथनगर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं हम आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों से मात्र डेढ़ हाथ जमीन का विवाद चल रहा था। इसी जमीनी विवाद ने बैजनाथ मंडल की जान ले ली। वहीं बैजनाथ मंडल पूर्व से ही मुंगेर के ऋषिकुंड में रहता था और हाल के कुछ दिन पूर्व भी अपना घर बनाने अपने गांव रसीदपुर दियारा आया था। वहीं पूर्व में भी कई दफा जमीन को लेकर विवाद हुआ था। वहीं मृत के पुत्र ने बताया कि पूर्व से वे लोग सुनियोजित रूप से ही एक दिन पहले ही अपने घर के सभी जानवर सहित घर के अन्य सदस्य को घर से बाहर भेज दिया था। वहीं रात्रि में घात लगाए उक्त सारे अभियुक्त रात्रि में सो रहे बैजनाथ मंडल को मचान पर 2 गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृत को 6 पुत्र और 2 पुत्री हैं, जिनमें 1 पुत्री की शादी कर दी थी, वहीं दूसरी पुत्री कुमारी है। वहीं घटना के बाद नाथनगर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर ले आई। पोस्टमार्टम कराकर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर के द्वारा स्टेशन चौक पर अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। डॉक्टर अजय ने कहा, समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर जाति प्रथा को करे खत्म। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा डॉक्टर अजय सिंह की अध्यक्षता में आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के रचयिता, सदियों से शोषित और सामाजिक भेदभाव से उपेक्षित बहुजन समाज और महिलाओं की मुक्ति के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर स्टेशन चौक पर डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं मौके पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए और समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर जाति प्रथा को खत्म कर अंतर विवाह पर भी अमल करना चाहिए। सभी सच्चे समाज का विकास होगा। वही मौके पर प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने भी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव के आदर्शों को मानकर चलने की बात कही। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, प्रोफेसर विलक्षण रविदास के साथ साथ जीवन जागृति के दर्जनों सदस्य उपस्थित थे। आज हम लोग
समानता के साथ जी रहे हैं।